डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम तीनो फुरा के बारे में डिस्कशन करेंगे एनिमल्स जो कि फ़ाइलम तीनो फोर में है टीनोफोर क्या है एक ग्रीक वर्ड है नीटो का मतलब है कॉम फोरोस का मतलब है बियर यानी इसके अंदर जो एनिमल्स होंगे दे विल यूजली बियर कॉम जेलिस और इनका कॉमन नाम क्या है सी वॉलट्स अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी स्पीशीज़ जो हैं वो टीनोफोर्स की डिस्क्राइब हो चुकी हैं और इसके अंदर स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद हैं ये एनिमल्स कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि फ्लैटन और एलोंगेटेड शेप्स में भी हमें मिलेंगे इनके करेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री जेलिटीनियस मिजोगलिया मौजूद है बिटवीन द एपीडरमल एंड द गेस्ट्रोडर्मल टिश्यू लेयर्स इसके अंदर गेस्ट्रोवेस्कुलर कैिटी जो है दैट इज़ आल्सो क्वाइट प्रोमिनंट इसमें देखें आप एक एनिमल टिपिकल फाइलम टिनोफोरिया का एनिमल्स है यहाँ पर आप देखें अब टू साइड्स पे देखें आप ऑपोजिट साइ माउथ और एनल पोर सो इन दिस इज द एनिमल इन विच देयर इज़ फर्स्ट टाइम अपेयरेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एनल पोर और बॉडी को हम टू एंड्स पे डिवाइड कर सकते हैं ओरल एंड एंड एब औरल एंड टेंटिकल्स की शीत मौजूद है माउथ दिस विल लीड इन टू फेरेंस और यहाँ पर जो कैनाल्स हैं इनको हम कहेंगे मेरी डायोनल कैनाल्स और टेंटिकल्स लेट्रल फिलामेंट्स सो यू कैन सेयर दैट अ टिपिकल टीनोफोर एनिमल इज़ नाउ हैविंग टू बॉडी एक्सेज औरल विद माउथ एंड एब औरल विध एनल पोर फाइलम टीनोफोर्स के अंदर नर्वस सिस्टम जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए नर्व नैट अब ये एडहेसिव स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं जिनको हम कहेंगे कोलोब्लास और इसमें एट रोज हैं सिलियरी बैंड्स की जो जिसको हम कहेंगे कॉम रोज ये कॉम रोज जो हैं देल्प द एनिमल्स इन लोकोमोशन फिर है इसके अंदर प्लूरोब्रेंकिया सफेरिकल और ओविड ट्रांसपेरेंट बॉडी दैट इज़ अबाउट द साइज ऑफ टू सेंटीमीटर यहाँ पर आप देखें एबोरल पोल औरल पोल एनल पोर गेस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल टेंटिकल्स टेंटिकल शीत गेस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल जिसको अब हम एडवांस्ड फॉर्म में स्टमक भी कह सकते हैं देर इज़ आल्सो कोम्ब्रो फेरक्स अब जो टिनोफोर्स हैं दे आर नॉर्मली फॉर्म टू बी सीन इन कोल्डर वाटर ऑफ द एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस और इसके अंदर प्लूरो ब्रेंकिया जो है जो कि ज़्यादातर टीनोफोर्स हैं एट मेरीडोनियल बैंड्स ऑफ सीलिया के, है, के मौजूद हैं जिसको हम कहेंगे कोम रोज कोम रोज जो हैं दे आर नॉर्मली प्रेजेंट बिटवीन द औरल एंड एब औरल एक्सिस अब कोम रोज जो हैं ये क्या हैं दीज आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स और उनकी कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज थ्रू स्टैटोसिस अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एबोरल एंड फिर प्लूरोब्रेंकिया जो है नॉर्मली दे स्विम विद इट्स एबोरल पोल एंड दिस एबोरल पोल इज ओरिएंटेड डाउनवर्ड स्टैटोसिस जो है दीज आर द स्ट्रक्चर दैट नॉर्मली डिटेक्ट टिल्ट्रिंग एंड कॉम रोज जो हैं हेल्प इन द एनिमल ओरिएंटेशन टू लॉन्ग ब्रांच tentacles they arise from a pouch present near the aboral pole tentacles jo hain inke sath maujood hain contractile fibers ye contractile fibers jo hain retract karengi and they also contain a structure coloblast coloblast kya karenge they capture the prey और uh, once the food is captured, ingestion का प्रोसेस start होगा across the mouth. यहाँ पे आप देखें कोलोब्लास्ट जो है दिस इज़ स्ट्रेट फिलामेंट स्पायरल फिलाामेंट ग्रैन्यूल्स हैड और इसमें जो स्टिकी रिट्रेक्ट्राइल टेंटेकर्स हैं दे आर यूज टू कैप्चर द प्रे कोलोब्लास्ट दे डिस्चार्ज एंड एडहीसिव थ्रेड अब जब ये अडेसिव थ्रेड डिस्चार्ज होगा तो जो प्रे होगा इसके स्टिकी एंड के साथ अटैच हो जाएगा लेकिन टीनोफोर्स की कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनके अंदर टेंटेकर्स मौजूद नहीं हैं और उसकी बॉडी जो है दैट इज स्टड विद द स्ट्रक्चर्स नोन एज कोलोब्लास अब माउथ जो है दैन दिस विल लीड इन टू ब्रांच गेस्ट्रोवेस्कुलर कैनल सिस्टम अब कुछ इसकी कैनाल्स जो हैं वो ब्लाइंट होंगी टू स्मॉल एनल कैनाल्स हैं दे विल ओपन टू आउटसाइड नीयर द एपिकल सेंस ऑर्गन्स और बाकी कनाइडेरियंस के बर्कस कनीडोफोर्स जो हैं दे आर नाओ हैविंग आ प्रॉपर एनल ओपनिंग और कुछ अनडाइजेस्टिड वेस्ट जो है दिस विल बी एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी थ्रू दिस एनल ओपनिंग फिर ब्रेंकिया मोनेशियस हैं बाकी भी टीनोफोर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल मोनेशियस और उसमें टू बैंड लाइक गोनेड्स मौजूद हैं विच आर कनेक्टेड विद द गैस्ट्रोडर्मस कैविटी अब इसमें सिंगल ओवरी है सिंगल टेस्टिस है गैमीड्स जो हैं दे विल शेड आउट थ्रू द माउथ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और स्लाइटली फ्लैट एंड इसके अंदर लार्वा डेवलप होगा और लार्वा जो है अल्टीमेटली दिस विल डेवलप इनटू द द अडल्टाइडेरियन